स्वागत है आपका वसीम साहब। बताएं सर, पहले तो आउटलुक और साथ ही अपडेट्स। अनिल जी, आईसीआईसीआई बैंक कल भी आपको दिलाया था, कल बालकृष्णा दिलाया था, और जितने चैनल से सुबह बोलते हैं रिजल्ट बहुत खराब है, डाउनग्रेड कर दिया, 1800 वाला 2000 हो गया, 2200 जाएगा बालकृष्णा, रिट्रेडेड रिप्लेसमेंट टायर में इस जैसा शेयर नहीं है, इट्स एन एमएनसी स्टॉक। कल आपको 1860 में दिलाया था, 125 रुपए मिले हैं इन अ मार्केट विच इज फ्लैट, इसे कहते हैं कॉल और एनालिसिस ऑफ रिजल्ट जो आपके इंग्लिश चैनल नहीं कर सकते। आईसीआईसीआई बैंक दो दिन से कह रहा था विल लीड दिस मार्केट 960 का टारगेट, और अब आपको दिख ही रहा है कि वो हो रहा है। और अब आपके लिए एक तीन पिक्स हैं, बैंक, ऑटो और कंजम्पशन से, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर, प्लीज बताएं। आईडीएफसी फर्स्ट, अनिल जी, सबसे बढ़िया मिड कैप बैंक, जहां रॉकिंग रिजल्ट है इन द मिड टीम, इट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल द बिजनेस, कोई दो राय नहीं, दिस इज हेडेड टू 65 ऑल टाइम हाइज। अभी आप 62 रुपए के लिए लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 55.25, बाय दिस फॉर एटलीस्ट 62.50, दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द बैंक निफ्टी ऑल्सो इन द स्मॉल कैप। सेकेंड बेस्ट रिजल्ट ऑफ अशोक लीलैंड, 150 रुपए में एंट्री पॉइंट है, 147 का स्टॉप लॉस, 162 का टारगेट। और थर्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टाइटन, सोने का भाव बढ़ रहा है, साथ में शादी का सीजन बहुत उमदा है, 2800 का टारगेट है, 2600 का स्टॉप लॉस, 2650 में लीजिए। तो ये तीन स्टॉक्स हैं जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। वसीम साहब की तरफ से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदें, 55.25 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट रखें 62.50 रुपए का। अशोक लेलैंड खरीदें 150 रुपए के आसपास, 147 का लगाएं आप स्टॉप लॉस 162 के टारगेट के लिए। टाइटन में खरीदारी करनी है आपको, 2650 के आसपास एंट्री कीजिए और स्टॉप लॉस 2600 का लगाइए, 2800 रुपए के टारगेट।